राजेंद्र गर्ग द्वारा आज घुमारवी में 1523 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किए गए। जिला बिलासपुर में 1523 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किए गए। श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना मेधावी छात्र लैपटॉप वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री राजेंद्र गर्ग द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र घुमारवी में छात्रों अभिभावकों अध्यापकों को संबोधित करते हुए मेधावी छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा जिला बिलासपुर में 1523 मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के 650 छात्रों ने बाजी मारी है। इस समारोह में 650 छात्रों को लैपटॉप वितरण करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है तथा इसके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार अटल वर्दी योजना के तहत पहली से बारहवीं कक्षा के छात्रों को दो दो सेट स्कूल वर्दी अर्थात यूनिफॉर्म प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त पहली तीसरी छठी और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग प्रदान किए जा रहे हैं। विनोद चड्ढा, कुठिंडा, बिलासपुर। जो हमारे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 2019-20 और 2021 के जो टॉप के हमारे छात्र हैं जिनको लैपटॉप योजना में शामिल किया गया है, उनको आज यहाँ लैपटॉप वितरण का काम किया जा रहा है। और यहाँ हमारी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 650 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। पूरे जिले में 1523 छात्रों को जो है लैपटॉप का वितरण आज हो रहा है और पूरे प्रदेश में लगभग 18,000 के आसपास जो है लैपटॉप जो है वितरण किए जाएंगे। कोरोना काल की वजह से उस समय कुछ दिक्कतें आई थी, इसलिए उस समय ये वितरण नहीं हो पाया था, लेकिन हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है और बच्चे मेरिट में आए हैं उनको उनको लैपटॉप मिलने हैं, उनको लैपटॉप मिलने चाहिए। और सरकार अपने कर्तव्य के प्रति, अपने निष्ठा के प्रति दृढ़ संकल्पित है और उसी के कारण जो है आज दो सेशंस के बच्चों को लगातार इकट्ठा आज इस लैपटॉप वितरण का काम जो है किया जा रहा है। सभी प्रकार की गतिविधियां एक मजदूर से लेकर दिहाड़ीदार से लेकर और उच्च स्तर के जितने भी काम थे, चाहे वो शिक्षा जगत की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, टूरिज्म की बात हो, हर क्षेत्र में सारी गतिविधियां ठप हो गई। और ऐसी परिस्थितियों से देश को उभारने का काम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य की